आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात के सूरत सहित देश भर में कई स्थानों पर हुए आग के हादसों में कई लोगों की मौत के मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काफी गंभीर है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मामले में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में राज्यों को क्या आवश्यक कदम उठाने की हिदायत दी गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात के सूरत में हुए दर्दनाक हादसे की काली यादें आज भी हर उस शख्स की आंख को नम कर देती है जिसने उस खौफनाक मंजर को देखा था। आग की लपटों से पार पाकर जिंदगी की राह तलाशने की खातिर मौत की छलांग लगाने को बेबस छात्र छात्राओं की तस्वीरें आज भी हमारे बेदम सिस्टम की बेहुदा कार्यशैली पर जोरदार तमाचा चढ़ती है। इसके अलावा आज भी देश के अन्य हिस्सों में अक्सर होने वाले ऐसे अग्नि हादसों की हकीकत भी हिलाकर रख देती है, लेकिन अब इन हादसों से सबक लेकर सरकार ने नया एक्शन प्लान बनाया है। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे हादसों को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने को कहा है। इसके तहत कहा गया है कि भवनों में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा भवन विनियम और खासकर नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना जरूरी है। आपको बता दें कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार इमारतों में अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के क्या प्रावधान। नियम के तहत 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों का फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट नियमित तौर पर होना चाहिए। साथ ही थर्ड पार्टी विशेषज्ञ अनुभवी फर्म से सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और हर 6 महीने में सार्वजनिक इमारतों का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य है, जबकि खामियों पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में राज्य सरकारों को हिदायत दी है कि इमारतों की सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि किन इमारतों में अग्निशमन संसाधन जरूरी हैं और किन में जरूरी नहीं है। इस मामले में बिल्डर और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही मनमर्जी को रोका जाए। इसके लिए दिल्ली के फायर सर्विस एक्ट और उसके तहत बने फायर सर्विस रूल्स के प्रावधान राज्य अपने भवन विनियमों में लागू करें। दिल्ली फायर सर्विस एक्ट और फायर सर्विस रूल्स के तहत जिन सार्वजनिक परिसर इमारतों में अग्निशमन संसाधन जरूरी हैं, उनकी बाकायदा श्रेणी बनाई गई है। आपको बताते हैं प्रावधानों के अनुसार किस प्रकार की इमारतों में आग बुझाने के इंतजाम रखना जरूरी है। ऐसे पंडाल जिसकी क्षमता 50 व्यक्ति की हो या उसका कवर्ड एरिया 50 वर्ग मीटर से ज्यादा हो, ऐसी आवासीय इमारतें जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या फिर उनमें जिसमें ग्राउंड फ्लोर या उनकी ऊंचाई 4 मंजिल से ज्यादा हो, ऐसे होटल्स गेस्ट हाउस जिनकी इमारत की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक हो या उनकी ऊंचाई 3 मंजिलों से ज्यादा हो, उनमें भी फायर सेफ्टी सिस्टम की अनिवार्यता लागू की गई है। वहीं शैक्षणिक गतिविधि वाली इमारत जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो, कमर्शियल इमारतें जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या 4 मंजिल से अधिक ऊंची वाली कमर्शियल इमारतें और वो मर्केंटाइल इमारतें जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक है, उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम अनिवार्य है। जबकि औद्योगिक स्टोरेज इमारतें जिनका कवर्ड एरिया 250 वर्ग मीटर से अधिक है और जमीन से नीचे किए गए भूमिगत निर्माण भी इस श्रेणी का हिस्सा है। अधिकतर आग लगने की घटनाओं में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जाता है। ऐसे में इमारतों में आग बुझाने के इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ ही आग लगने के कारणों को खत्म करने की भी बड़ी जरूरत है, और अगर सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा तो हादसों की आशंकाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।